नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। बारिश का असर अब पूरे देश में दिखाई दे रहा है। दिल्ली में भी जोरदार बारिश की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी भरा आया है, जिस वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ये केवल दिल्ली के यात्रियों के मद्देनज़र नहीं है, बिहार और आसपास के इलाकों में जहाँ भी फ्लाइट जाती है वहाँ के लोगों को इस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। तस्वीरों में देख कर आप समझ पा रहे होंगे कि एयरपोर्ट के भीतर तक पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है। ऑरेंज अलर्ट भी जारी हो गया है। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के चलते इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों में पानी भर गया है। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को ही दिल्ली में गरज के साथ भारी से अति भारी वर्षा की संभावना जताई थी। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। खास बात यह है कि 2010 के बाद पहली बार जब दिल्ली में बारिश का आंकड़ा 1000 मिलीलीटर के पार हुआ है, तब ऐसे हालात पैदा हुए हैं। 11 सालों में दिल्ली में इस बार सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सुबह करीब 7:45 से ही जल जमाव हो गया था, जिसकी निकासी 30 मिनट में ही कर दी गई थी। लेकिन एयरपोर्ट का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, इस वजह से उतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं हुई, लेकिन जो यात्री वहां पर उस समय मौजूद थे उनमें काफ़ी परेशानियां हो गई, काफ़ी दिक्कतें हो गई। थोड़ी देर बाद ही हालांकि पानी की निकासी कर दी गई थी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि DIAL ने भी जानकारी दी कि अचानक भारी बारिश आने के कारण हवाई अड्डे के प्रांगण में थोड़े समय के लिए जल जमाव हो गया था। उसमें कहा गया कि हमारी टीम ने फौरन समस्या पर गौर किया और इसे हल कर दिया है। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें इन दिनों इंटरनेट पर काफ़ी छाई हुई है, हर जगह इसे शेयर किया जा रहा है और इसकी चर्चा भी खूब हो रही है कि देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इस तरह से पानी जमा हो गया है। टर्मिनल 3 में ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है और जिस समय जल जमाव हुआ था ये सुबह सुबह की बात बताई जा रही है, लेकिन आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर दिल्ली एयरपोर्ट की ही तस्वीरें छाई हुई है, इसको लेकर काफ़ी बातें भी हो रही है। और फिलहाल दिल्ली के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि लोग सावधानी बरतें, क्योंकि 2010 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। बारिश ने 1000 मिलीलीटर का आंकड़ा पार कर लिया है, इसलिए इस वजह से जगह जगह पर जल जमाव हो रहा है और इसी का असर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिया, जहाँ पर पानी पूरी तरह से भर आया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। आप तस्वीर देखकर समझ पा रहे होंगे कि जिस समय पानी जमा हुआ होगा तो किस तरह की परेशानियां उत्पन्न हुई होंगी। तरह तरह की मशीनें रहती हैं, कई चीज़ें एयरपोर्ट पर रहती हैं, वो सारी चीज़ें ख़राब हो सकती थी, लेकिन तुरंत ही जल निकासी कर दी गई, जिस वजह से ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने की वजह से लोगों में कौतूहल का माहौल है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पर इस तरह की चीज़ें कैसे हो गई। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि पानी को निकाल दिया गया है और फिर से चीज़ें सामान्य हो गई हैं। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।